एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्वालिटी कंटेंट की जरूरत होता है, और क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए आपको अच्छा क्यूआर का समझ होना जरूरी है। आप कौन से क्यूआर पे काम करोगे जो आपको जल्दी रैंक करेगा गूगल में या फिर दूसरे सर्च इंजिन में। अगर आप ऐसे क्यूआर पे काम करते हो जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो या फिर आप रैंक नहीं कर पाओगे। अगर रैंक भी करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके पास उतना पेशेंस नहीं होता कि मैं कितना मेहनत करूं, इतना तो मेहनत मेरे से नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सही कीवर्ड ढूंढ लोगे तो आपको कम मेहनत में भी अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा। हम यह करते हैं, जो नया बिगनर्स है वो क्या करते हैं, देखते हैं कि दूसरे ब्लॉग क्या लिख रहे हैं, जो ब्लॉग उनको पसंद है तो उनके रिलेटेड आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको समझ नहीं होता कि वो जो ब्लॉग है, जो बड़ा ब्लॉग है, जो भी लिखा है उसका ऑथोरिटी ज़्यादा है, इसलिए वो उसी कीवर्ड पर रैंक कर जा रहा है। लेकिन आप शायद उस कीवर्ड पर रैंक ना करो, इसलिए आपका जो कंपटीटर है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, आप उनका ऐसे कीवर्ड निकालिए जिसको आप भी अच्छे से रैंक कर पाओगे। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपका जो कंपटीटर है उसका ऐसा क्या कीवर्ड्स है जिसके ऊपर आप आसानी से रैंक कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो कंपटीटर है उसको आप कैसे निकालोगे। कंप्यूटर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एक नया बिजनेस है तो आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि दूसरे लोग आपके कैटेगरी में क्या कर रहे हैं। अगर आप उनसे बेहतर करोगे तभी जाके आप अपना एक ब्रांड बना पाओगे, अगर उससे बेहतर नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिनी वनकारी। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिख गया, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडवर्ड्स का क्यूआर प्लानर के बारे में। क्यूआर प्लानर ऐसा टूल है जिसके मदद से आप क्यूआर ढूंढ सकते हो, ऐसे नॉर्मल क्यूआर या फिर किसी दूसरे वेबसाइट का क्यूआर। तो आज हम आपका जो कंप्यूटर है वो क्या क्यूआर पर रैंक कर रहे हैं उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इसीलिए पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो कीवर्ड प्लान है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा ट्विक है। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको एक एड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा, फिर जाके एक्सेस कर पाओगे। लेकिन एक ट्विक है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हो तो बिना कोई कैंपेन क्रिएट किए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आपका जो कंप्यूटर है उसका क्यूआर आप कैसे निकालोगे। तो ये रहा क्यूआर प्लानर। पिछले वीडियो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे इसमें अकाउंट बनाना है, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिस्कवर न्यू क्यूआर्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। तो हमें जो फास्ट वाला है उसके ऊपर जाना है, डिस्कवर न्यू क्यूआर्स, क्योंकि हमें जो हमारा कंप्यूटर है उसका क्यूआर्स निकालना है हमें। और इधर भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट विथ कीवर्ड्स और स्टार्ट विथ वेबसाइट। तो हमें एक वेबसाइट का कीवर्ड्स निकालना है, तो मैं जाऊंगा स्टार्ट विथ वेबसाइट में, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं ढूंढना। ये आ गया। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था ज्ञानी पंडित का, तो इस बार भी हम ज्ञानी पंडित का एग्जाम्पल लेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और कर देता हूँ इधर पेस्ट। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यूज द एंटायर साइट और यूज ओनली दिस पेज। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज का क्यूआर निकालना है तो दूसरे वाला ऑप्शन जाइए, पेज ऑप्शन पे। अगर आपको पूरा एंटायर वेबसाइट का जाना है कि वो कौन सा क्यूआर पे रैंक कर रहा है, तो आप पहले ऑप्शन जाइए। मेरे हिसाब से अगर आपका नया वेबसाइट है और आपका जितने भी कंपटीशन है अगर आप उनका क्यूआर निकाल चाहते हो तो पहले वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि आप एक एक पेज करके नहीं देख सकते। आपको एंटायर पेज पे देखना है ऐसा कौन सा लो कंपटीशन क्यूआर है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो हम पहले ऑप्शन पर जाते हैं और इधर मैं क्लिक करता हूं गेट रिजल्ट्स। मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं अभी, और इनका जितना भी कंपटीशन है सब लो दिखा रहा है। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है, ऐसा कुछ वेबसाइट है जिनका कंपटीशन हाई और मीडियम में हो सकता है, तो हमें उनको फिल्टर करना है। इसमें कोई मीडियम या हाई नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ वेबसाइट मिले जिसका ऐसा भी मिक्स कीवर्ड्स हो जो कि लो कंपटीशन हो, मीडियम हो, हाई हो, तो आपको ये जानना भी जरूरी है। तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा
एड फिल्टर, कंपटीशन। तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, लो, मीडियम, हाई। तो हम बस लो में ही क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अगर आपकी ब्लॉग का डीए 20 प्लस है तो आप मीडियम क्यूआर पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपका नया ब्लॉग है तो आपको लो कंपटीशन क्यूआर में ही जाना चाहिए। तो ये सब मुझे क्यूआर्स मिल गए और मुझे इनको डाउनलोड करना है। तो इधर का ऑप्शन है डाउनलोड क्यूआर आइडियाज, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और CSV फाइल। इसको ओपन करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं इसको ओपन कर लिया। मुझे इसमें बस तीन कॉलम चाहिए, जो कि है QR, एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन। बाकी सब हमें नहीं चाहिए, तो हम बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। इस सब मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये कॉलम को भी मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये सब डिलीट हो गया, और इसमें भी इसको भी कर देता हूँ डिलीट, ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब बस तीन ही कॉलम बच गया, QR, एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन। ये चलो ये ठीक से दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको एक टेबल का शेप दे देंगे ताकि हमारे लिए सुविधा हो देखने के लिए। तो ऐसा मैं एक दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। ये भी अच्छा नहीं दिख रहा, ये तो ये फॉर्मेटिंग हो गया, तो इसको अभी पहचानने में सुविधा हो रहा है, जैसे कि ए मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी। तो बात यह कि इधर हमें मिक्स्ड डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स मिल रहे हैं, 50 वॉल्यूम से लेके 50,000 वॉल्यूम तक। तो हमें उन कीवर्ड्स को फिल्टर करना है जिनका सर्च वॉल्यूम मंथली मिनिमम 50 या उससे ज़्यादा हो। तो इधर आप जितना भी देख रहे हैं, सबसे जो लो कंपटीशन कीवर्ड है वो 50 से शुरू हो रहा है और 50,000 तक जा रहा है। तो 50 कीवर्ड में कुछ मज़ा नहीं आएगा। जो आपका नया हिंदी ब्लॉग है, आपको मिनिमम 100 या 500 कीवर्ड से शुरू करना होगा। अगर आपका एक इंग्लिश ब्लॉग है तो आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हो। आपने एक बार फॉर्मेटिंग कर लिया तो उसके बाद आपको जितना भी कीवर्ड्स है उनको फिल्टर करना है कि मिनिमम जो सर्च वैल्यू में 500 होना ज़रूरी है, या फिर आप 100 के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। तो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं करूँगा 100 पे, आप चाहे तो 500 भी ले सकते हो। जितने अभी सारे कीवर्ड्स मिल गए उनका जो मंथली सर्चेस है 100 से ज़्यादा है, मतलब 500, 1,000 या 50,000 जो भी है ज़्यादा है। तो बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी, ज्ञानी पंडित हिंदी मोटिवेशनल कहानी, लाइक मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, तो ये सब वो कीवर्ड्स है जिनको आपको ट्राई करना है। इनके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन आपको इनके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखना। आपको ये चेक करना है कि ये सब जो कीवर्ड्स है कि आपके लिए अभी काम आएगा, नहीं तो आप अभी ऐसे कीवर्ड्स पे लिख दोगे लेकिन उस पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अगर वो कीवर्ड गूगल पे रैंक करता है तभी भी। तो इसीलिए आपको इन सब कीवर्ड्स को वैलिडेट करना जरूरी है कि अभी के टाइम ये सब प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है फिर भी आप उनके ऊपर काम करते हो तो ये रैंक तो हो जाएगा लेकिन आपको ट्रैफिक नहीं देगा। तो ये चीज़ को समझना भी जरूरी है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक फ्री टूल गूगल का QR प्लान का इस्तेमाल करके आप कैसे QRs निकाल सकते हो, वो भी आसानी से। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपका कुछ सुझाव है SEO रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।